शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। और रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिला राम। सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर वर्ष 2020 के एक और खूबसूरत मंथ यानी कि मंथ ऑफ नवंबर के पहले दिन, और इत्तेफाक देखिए नए मंथ की शुरुआत आज संडे से हो रही है। पहली तारीख है, खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। और फिर एक बार हम ये यादों भरी खूबसूरत महफिल लेकर फेसबुक के माध्यम से डॉक्टर मेहर अली साहिबा और उनके परिवार की ओर से आपकी खिदमत में मूड्स ऑफ मुकेश जी एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर। दोस्तों, साथियों, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और इससे हमारा क्षेत्र भी जो है वो अछूता नहीं रहा। उन दिनों की बात है जब बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रेशंस के साथ एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो हमें सुनता था, रूबरू होते थे हम। और आज वो सब कुछ सिमट करके 4K की इस छोटी सी स्क्रीन में आ गया है, और सोशल साइट्स फेसबुक और यूट्यूब तक हम सीमित हो गए हैं। लेकिन हमें इसका रंज नहीं है, बल्कि खुशी है। खुशी इसलिए है कि पहले सीमित लोग यानी 1000, 2000 या मैक्सिमम 5000 लोग ऑडिटोरियम में आकर हमें सुना करते थे, और वो भी किसी एक मकामी जगह पर। अहमदाबाद में हुआ तो अहमदाबाद में, मुंबई में हुआ तो मुंबई में, या जहाँ जिस वक्त जो जगह पर हुआ उसी जगह के लोग उसे एंजॉय कर सकते थे। आज सोशल मीडिया का हमें फ़ायदा यह है कि आज का ये कार्यक्रम दुनिया के वो तमाम देशों में देखा जा सकता है जहाँ संडे की बहुत खूबसूरत शाम भी हुई है और इसी संडे की बहुत ही खूबसूरत सुबह भी हुई है। तो उन सभी को फिर एक बार वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड इवनिंग। आइए, ज़्यादा बातें हो गई, गीतों की तरफ चलते हैं। मुकेश जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत बातें और उनके गीतों को आज यादों के रूप में हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले जो मेरे साथ आज ये स्क्रीन साझा कर रही है वो बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत फनकार है, नैना शर्मा जी, जो कि बहुत ही अच्छा गाती हैं। मंझी हुई कलाकार है, तालीम याफ्ता कलाकार है, और हमेशा मुकेश जी की ज़िंदगी में भी वैसे तो तमाम उनके साथी प्लेबैक सिंगर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान और रिलेशनशिप रहा है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ लता मंगेशकर जी का है तो तो वो राखी भाई थे मुकेश जी लता जी के, और वो जब तक जिए लता जी ने उन्हें हमेशा राखी के त्यौहार पर राखी बांधी और इस रिश्ते को और मजबूत और पक्का किया है। तो आज मूड्स ऑफ मुकेश का प्रारंभ भी हम उसी महान गायिका के गाए हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत से कर रहे हैं। गीत क्या है, आइए नैना शर्मा जी आपको सुनाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, ये फ़िल्म अभिमान से आपकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत नगमा पेश किया गया जिसे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा। हिंदुस्तानी पार्श्व संगीत की दुनिया में सरस्वती कहीं जाने वाली आदरणीय लता मंगेशकर जी ने गाया और महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जिनको कि हम खिराज अकीदत इस मंच के और आज के कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे क्योंकि आज से एक दिन पहले यानी कि ठीक गुजरा हुआ कल 31 अक्टूबर 1975 को इस महान संगीतकार ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो हम सचिन देव बर्मन जी को भी खिराज अकीदत इस मंच के माध्यम से पेश करना चाहते हैं। दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो मौजूद है पर मौजूद नहीं है, जो मौजूद है पर मौजूद नहीं है और जो मौजूद नहीं है फिर भी मौजूद है। पहली बन गई उलझा रहा हूं शायद, नहीं नहीं ऐसा नहीं। करोड़ों लोग आते हैं दुनिया में, अपने हिस्से की जिंदगी जीते हैं, है ना, और अचानक किसी एक दिन वो मौत के हाथों शिकस्त खाकर गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, ओझल से हो जाते हैं। वहीं कुछ विरले ऐसे होते हैं जो मौत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं, भले ही जिंदगी हार जाते हैं लेकिन रूहानियत के जरिए वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं। ऐसे ही एक विरल व्यक्तित्व का हम अब जिक्र करेंगे जो जिंदगी के सरहदों के बहुत दूर है, सरहदों के बहुत उस पार है लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिलों में और हमारे गीत, उनके गीतों में हमें पल पल ये एहसास होता है कि वो हमारे बीच ही है, यहीं कहीं। मुकेश चंद्र जोरावर चंद माथुर जी एक ऐसे अद्भुत कलाकार जिनकी गायकी को ज़माना आज भी सलाम करता है और उस कलाकार को एक ऐसे कलाकार के ज़रिए आज आप तक पहुंचाना हमें नसीब हुआ है जिसके बारे में अगर कुछ कहने को बैठें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। अपनी लगन, अपने समर्पण, अपने डेडिकेशन से इस अद्भुत कलाकार ने हूबहू मुकेश जी की आवाज़ का करिश्मा उनके चाहने वालों के दिलों तक पहुँचाया है। और जैसे जैसे कहते हैं कि हम साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, इनके चाहने वालों का जो तादाद है और इनके चाहने वालों के जो काफिले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा, एक ऐसी अद्भुत आवाज़ जिसके साथ मंच साझा करना हम सब के लिए गौरव की बात है। दोस्तों साथियों तशरीफ़ ला रहे हैं मूड्स ऑफ मुकेश के हमारे मुख्तार फनकार, द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश जी, श्री मुख्तार शाह साहब। बहुत खुशकिस्मत हैं दोस्तों साथियों मुख्तार जी के मुकेश जी जैसे महान फनकार की हूबहू आवाज़ ईश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा इनके गले में पाई गई, इनके गले में मौजूद है। इसलिए शायद आज उस खुदा का भी ये शुक्र अदा करेंगे और अपने आदर्श को अपने ही अंदाज में सदा देते हुए कुछ यूँ कहना चाहेंगे। क्या आइए मुख्तार जी से ही सुनते हैं हम। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। प्यारे दोस्तों साथियों, आज एक बार फिर से हम अपने एक ऑनलाइन शोज़ में जो ये सीरीज़ चली है लॉकडाउन के दरमियान में, उसका एक और प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोग्राम के अंत तक इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा। और मोहसिन ने बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है और मुकेश जी को याद करते हुए, क्योंकि प्रोग्राम है मूड्स ऑफ मुकेश, तो मुकेश जी की याद में पहला गाना जो हम आपको सुना रहे हैं ये एक सदा है, हम मुकेश जी और संगीत के चाहने वालों की ओर से मुकेश जी को, डॉक्टर मेहर अली और उनके परिवार का हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इस माध्यम से आप लोगों तक हमें पहुँचने का मौका दिया। सपन जगमोहन संगीतकार हैं, नक्श लायलपुरी साहब का लिखा हुआ ये गाना है 1970 की फिल्म चेतना से। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को दर्द के साथ को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। देख कर कह रहे हैं सभी मोहब्बत कहाँ हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी मोहब्बत कहाँ हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में उलझी थे मगर मैंने काटे तुझे, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी, ख्वाब जो है बुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को दर्द के साथ को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, साथियों। दूसरा गाना जो है मुकेश जी का गाया हुआ अगले मंजिल पर, जो मैं गाने के लिए जा रहा हूँ। मुकेश जी की आवाज़ चाहे दर्द भरे गीतों के लिए बहुत जानी गई, लेकिन बहुत सारे गाने मुकेश जी ने रोमांटिक भी गाए हैं। और अगला जो गीत है वो कल्याणजी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। फिल्म में ये गीत राज कुमार जी पर फिल्माया गया, फूल बने अंगारे इस फिल्म से ये गाना है। बहुत ही खूबसूरत आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा है। आइए ये रोमांटिक गाना आप सबको सुनाते हैं। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात ली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियाँ बातें मिस्री की डलियाँ, ओट गंगा के साहिल जुल्फे जन्नत की गलियाँ। आँखें नाजुक सी कलियाँ बातें मिस्री की डलियाँ, ओट गंगा के साहिल जुल्फ़े जन्नत की गलियाँ। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्ज़ाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्ज़ाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों साथियों। मुकेश जी का ये प्रोग्राम आज उनके बहुत ही खूबसूरत गीतों को, इनफैक्ट डॉक्टर मेहर अली साहिबा जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं और बेंगलोर में रहती हैं। मेरे मुख्तार शाह फैंस क्लब जो ग्रुप चलता है उसमें भी वो जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से हम लोग भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। और वो बहुत चाहती थी कि हमारे परिवार की ओर से एक ऐसा खूबसूरत नजराना मुकेश जी के गीतों का, मुकेश जी के चाहने वालों को, संगीत के चाहने वालों को, हमारे जो फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको पेश किया जाए। और उसी की वजह से आज ये प्रोग्राम हम आप लोगों की सेवा में उनके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अगला जो गीत है एक दिल सौ अफसाने, ये फिल्म का नाम है, 1963 की फिल्म है। शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना राज कपूर जी पर फिल्माया गया, मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है, एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। सीखी है तुमसे फूल ने हंसने की हर अदा, सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा। आईना तुमको देख के हैरान हो गया, एक बेजुबान तुमसे पशेमान हो गया। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संभलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाओ गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहर अली साहिबा के ज़रिए और उनके परिवार के ज़रिए। आज जैसा कि मुख्तार जी ने बताया कि हम दुनिया भर के मुकेश जी के चाहने वालों तक पहुंच रहे हैं मूड्स ऑफ मुकेश इस कार्यक्रम को लेकर के। तो हम फिर एक बार डॉक्टर मेहर अली साहिबा का भी दिल की गहराई से और उनके परिवार का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं। एक बाहोश जो है पुलिस अफसर तो हैं ही, साथ ही में बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं, खास करके अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स एंड विडो वुमेन्स। इन सब की ज़िंदगी की खैर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये एक चैरिटी रन करती हैं जिसकी ये फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहर अली साहिबा। आइए, जितनी भी तारीफ़ करूं रुकती नहीं जुबान, किसकी तारीफ़ करूं? ये गीत को लिखने वाले हसरत साहब की, उसे संगीतबद्ध करने वाले शंकर जयकिशन साहब की, उसे गाकर अमर कर देने वाले मुकेश जी की, या फिर ग्रेट शोमैन राज कपूर जी की, या इन तमाम दिग्गजों के इस कारनामे को आज भी मंच पर उनके चाहने वालों तक पहुंचाकर उनके दिलों को जीतने वाले मुख्तार शाह साहब की। हमें भी समझ में नहीं आता है ना। आइए, इसलिए एक बहुत ही खूबसूरत दोगाने की तरफ मुख्तार जी और नैना जी आपको ले जा रहे हैं। अतीत की एक सुनहरी यादों से एक ऐसा खूबसूरत पन्ना पलटते हैं कि जिस पन्ने पर लिखे गए ख़तों ख़ुतूत के चंद अल्फाज आपके दिलों को खूबसूरत और यादगार बना देंगे। क्या है वो अल्फाज, इन दो कलाकारों से सुनते हैं। प्यार छुपा है तक में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। साथियों, सरस्वती चंद्र फिल्म से गाना इंदीवर साहब का लिखा हो, कल्याणजी आनंद जी संगीतकार थे। अगला जो गाना है नौशाद साहब का संगीतबद्ध किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत, राजेंद्र कुमार जी की फिल्म वैजंती माला और उन पर फिल्माया गया गीत है। साथ ही फिल्म का नाम मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने को लिखा है और मुकेश जी के साथ सुमन कल्याणपुर जी ने इस गाने को गाया है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहाँ दिलदार है तेरा, पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महकी है आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। शुक्रिया दोस्तों साथियों। और ये दो ड्यूट गानों के बाद एक अगला जो गीत है मुकेश जी का गाया हुआ, जैसे कि आज टाइटल है मूड्स ऑफ मुकेश। मुकेश जी के अलग अलग मूड में जो गाए हुए गाने हैं उसमें से एक और मूड आपको बताते हैं। मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया गाना, कम स्टेज पर आपको सुनने मिला होगा ये गीत, लेकिन बहुत खूबसूरत ये गाना है। ख़ासतौर से हॉलैंड की जो ऑडियंस है वो इस गाने को बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब कभी भी मैं गया हूँ ये गाना हमेशा वहाँ लिस्ट में शामिल किया गया है। मुझे भी गीत बहुत पसंद है और शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं, शैलेंद्र जी ने इस गाने को लिखा है। फिल्म का नाम है अपने हुए पराए, जो 1964 की फिल्म है। तो ये मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना आपको सुनाते हैं। जिंदगी फिर वही गीत गुनगुनाने लगी। इस गली झूमती फिर बाहर आने लगी। फिर कोई मुस्कुराया फिर एक फूल खिला। कोई बुलाए और कोई आए अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया फिर एक फूल खिला। बहके हम जिस घड़ी पी के प्यार के जाम को। फिर कोई मुस्कुराया फिर एक फूल खिला। कोई बुलाए और कोई आए अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया फिर एक फूल खिला। कोई बुलाए और कोई आए अब दिल चाहे क्या। फिर कोई मुस्कुराया फिर एक फूल खिला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। अपने हुए पराए इस फिल्म से ये गाना था और पियानो पर बैठकर मनोज कुमार जी फिल्म में गा रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा इसका वीडियो। और अगला जो गाना है हमारी डॉक्टर मेहर अली साहबा की एक ख़ास दोस्त हैं कला रेड्डी जी, उनका एक पसंदीदा गाना है और उनके लिए ये गाना ख़ास हम आपको सुना रहे हैं। वैसे बहुत मशहूर गाना है, इंदीवर साहब का लिखा है, कल्याणजी आनंद जी संगीतकार हैं, फिरोज़ खान जी पर ये गाना फिल्माया गया है। सफ़र फिल्म का नाम है और मेरा तो वैसे जीवन मंत्र है, मैं हमेशा कहता हूँ ये गाना जो है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ज़िंदगी में अगर बहुत खुश रहना है, बहुत सुखी रहना है और ख़ासतौर से वो लोग जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो इस गाने की दो लाइनें ज़िंदगी में ज़रूर याद रखिए कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, माथा कुट क्या रे थाए नहीं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, ओ पसंद वही बात कहेंगे, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात न हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बाहेंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाहेंगे सराहेंगे आप ही को, आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात जी। बहुत खूब कहा मुख्तार जी ने। ये लेकिन केवल शादीशुदा इंसानों की ज़िंदगी का ही मंत्र नहीं, बल्कि मेरा ये मानना है कि हर सफल व्यक्ति अगर ज़िंदगी में ये बातों को इन शब्दों को उतार ले तो शायद ज़िंदगी बड़ी सक्सेस होगी, बड़ी सफलता के साथ, बिना किसी कहते हैं जद्दोजहद के हम बहुत आसानी से जी सकते हैं, है ना। क्योंकि ज़िंदगी दुनिया में जो है वो सारे झगड़े जो है वो सिर्फ इनकार के लिए वजह से होते हैं, मतलब ना कहने की वजह से। अगर हाँ कह दे हर एक बात में तो दुनिया में झगड़ा ही नहीं, ना ऊंच नीच का, ना जात पात का, ना सरहदों का, है ना। खैर, बहुत ही कमाल का गीत था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मुख्तार जी ने भी अपनी ज़िंदगी में ये फ़लसफ़ा केवल शादीशुदा ज़िंदगी तक सीमित नहीं रखा। वैसे तो वो इनके चाहने वाले जितने भी श्रोता हैं, जितने मित्र हैं, उन सभी के साथ भी उतने ही विनम्र हैं जितने मुकेश जी हुआ करते थे। देखिए, किसी एक कलाकार को सिर्फ उसके गानों के लिए या उसके योगदान के लिए फॉलो करना एक अलग चीज़ होती है, और उसकी निजी ज़िंदगी के आदर्श को भी अपने भीतर उतारना ये एक अलग चीज़ होती है, और वो बहुत कम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। तो हमें खुशी इस बात की है कि मुख्तार जी ने केवल मुकेश जी को गीतों तक सीमित न रख के, अपना आदर्श न मान के, उनकी निजी ज़िंदगी से भी बहुत सबक हासिल किया है। मुकेश जी भी मेहमान नवाजी में बड़े जिंदा दिल थे। अपने घर आने वाले हर अनजाने व्यक्ति से वो ऐसे मिलते थे मानो जैसे पिछले जन्म का कोई बिछड़ा साथी मिल गया हो। ये उनके बेटे नितिन मुकेश ने कई इंटरव्यू में कहा है, यूट्यूब पर आप वो देख सकते हैं। और परिवार को बांधे रखने में भी मुकेश जी बहुत मानते थे। अपनी बहनों के साथ, अपने भांजे भतीजों के साथ, नाते नातियों के साथ इतनी गहरी मोहब्बत थी, और सबको बस यही सबक देते थे कि दुनिया में बस और कुछ नहीं है, ये प्यार, ये परिवार और ये मोहब्बत के सिवा। शायद यही वजह है मुकेश जी की किरदार की कि सबसे कम अपने समकालीन गायकों में और गायिकाओं में सबसे कम तादाद में उन्होंने गीत गाए, पर मशहूर ज़्यादा हुए क्योंकि उनकी सादगी उनकी आवाज़ में छलकती थी जो लोगों के दिलों में बड़ी आसानी से समा गई। दोस्तों तमाम दिग्गज संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। नौशाद जी से ये लिस्ट हम शुरू करें तो एस मोहिंदर जैसे अनजाने चेहरे तक पहुंचते पहुंचते इंडस्ट्री के तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर का जिक्र आप मुकेश जी के साथ जोड़कर कर सकते हैं। देव साहब, दिलीप साहब, राज कपूर जी की तो एवं यूँ कहा जाता है कि वो आत्मा थे। तो मुकेश जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त रिश्ते बनाए हैं। एक दौर था जब राज कपूर जी की रूह कहे जाने वाले मुकेश जी को की आवाज़ के बगैर दिलीप साहब को भी नहीं चलता था। जी हाँ, वो दौर आइए दोहराते हैं। यहाँ एक ऐसी फिल्म जिसका संगीत दिया सलील चौधरी साहब ने। तमाम गीत बहुत लाजवाब, एक अद्भुत दोगाना, चूँकि नैना जी आ चुकी हैं स्क्रीन पर, दिख भी चुकी होंगी, तो यहाँ मुख्तार जी को वो साथ दे रही हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मुकेश जी और लता जी का ये खूबसूरत दोगाना। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। शुक्रिया दोस्तों, साथियों, मधुमती फिल्म से ये गाना था, अपने दौर की सुपरहिट फिल्म। कई सारे अवार्ड्स 1958 की इस फिल्म ने हासिल किए थे। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक गाना था। अगला जो गीत है, अभी हम बैक टू बैक 3 ड्यूएट आपको सुनाने वाले, एक आपने सुन लिया, इसके बाद का जो दो गाना है वो शम्मी कपूर जी पर। वैसे आपने देखा होगा कि मुकेश जी के गाने शायद बहुत लोगों को याद भी नहीं आते होंगे, लेकिन जो गाना अब अगली पादान पर है ये शम्मी कपूर जी पर फिल्माया गया है। शायद 3-4 गाने ही उनके लिए मुकेश जी ने गाए हैं। उजाला फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने गाया है। 1959 की फिल्म है, शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं और नैना और हम मिलकर आपको ये गाना सुना रहे हैं। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं समझे वो प्यार की जुबां है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दो प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। दोस्तों साथियों, मूड्स ऑफ मुकेश प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आई होप कि अब तक का जो प्रोग्राम चल रहा है आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग बाद में हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह से प्रोग्राम के अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला जो गीत है एक और बहुत खूबसूरत ड्यूएट गाना है, अगेन मनोज कुमार जी की फिल्म है हरियाली और रास्ता, 1962 फिल्म, हसरत जयपुरी साहब का गाना लिखा हुआ, शंकर जयकिशन इसके संगीतकार, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या फिदाए इश्क में हम। शुक्रिया दोस्तों साथियों, हरियाली और रास्ता फिल्म के ये गाना था और 3 बैक टू बैक ड्यूएट गाने आपने सुने। वैसे आज का जो प्रोग्राम है मूड्स ऑफ मुकेश, मेरी वैसे हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हों, जिन्होंने आज का प्रोग्राम जैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उनके पसंद के गाने प्रोग्राम में हम गाएँ, क्योंकि जो लोग भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो चाहते हैं उनके कुछ गाने होते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो उनके दोस्तों के पसंदीदा होते हैं, कुछ उनके परिवार के पसंदीदा गाने होते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि उन्हीं के पसंद से वो गाने गाएं। पूरा लिस्ट मैं हमेशा जो शो के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं उनसे ही मंगवाता हूं और कोशिश करता हूं कि वही गाने हम प्रोग्राम में गाएं। और अगला जो गाना है, जैसा कि आज प्रोग्राम डॉक्टर मेहर अली और उनके परिवार ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने आगे भी आपको बताया कि मेहर अली जी जो हैं वो बेंगलोर में पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद ये 2 बहुत अच्छे कार्य करती हैं 2 संस्थाओं के द्वारा। एक उनका मेहर फाउंडेशन चलता है और दूसरा जो संस्था है उसके नाम है CWCD एंड SCW। ये चिल्ड्रन वेलफेयर और सीनियर सिटीजन्स, विडो लेडीज़ या इन तमाम जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और औरतें जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी मदद के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जिसकी मेहर अली जो हैं वो फाउंडर चेयरपर्सन हैं और इनके जो हस्बैंड हैं मोहम्मद अली साहब, वो इसके एडमिन हैं इन दोनों फाउंडेशन के। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि पसंदीदा सारे गाने जो हैं वो मेहर अली जी के हैं, लिस्ट जो है, लेकिन अगला जो गीत है वो उनका वैसे ख़ास पसंदीदा गाना है और ये गीत है फिल्म संगम से। शंकर जयकिशन संगीत का 1964 की फिल्म, राज कपूर पर फिल्माया गया गाना, मुकेश जी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को भी लिखा है। ओ महबूबा ओ महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। थैंक यू दोस्तों, साथियों। वैसे ये गाना जैसा मेहर अली जी का पसंदीदा था, बहुत सारे लोगों का पसंदीदा गाना होगा। जी, 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 हमारी जो आंटी हैं, सिंधु आंटी लंदन में जो रहती हैं, उनका भी खास पसंदीदा गाना। बिल्कुल, और वो देख भी रही हैं, मैं ये कहने ही वाला था, याद दिलाने वाला था। बिल्कुल, वो देख रही हैं। लंदन से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपने हॉलैंड का जिक्र किया मुख्तार जी, हॉलैंड से भी बहुत सारे आपके चाहने वाले लोग जो हैं वो ऑलरेडी प्रोग्राम की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के तो बहुत सारे इलाकों से लोग देख रहे हैं, पूरी जगन्नाथ से भी कुछ आपके चाहने वाले हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो नए नए इलाकों से ये सोशल मीडिया का ये एक बेनिफिट हम कह सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि काफ़ी अनजाने चेहरे जो है या अनजाने शहर जो है वो हमसे जुड़ते हैं और हमें खुशी होती है। तो बहुत धन्यवाद। और ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ फ़ौरन हमें प्रतिक्रिया भी मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुझे आज विलन समझ रहे हैं आपके और नैना जी के दरमियान। तो खैर हाँ, तो ये होता है, नहीं, इसमें ये वास्तविकता और हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मन बनाकर बैठते हैं सिर्फ गाने सुनेंगे आज नहीं। लेकिन मैं इस जगह पर ये हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं बता दूं कि कोई भी विलन वैसे नहीं समझ रहा है मोहसिन, ये मोहसिन सिर्फ मजाक में बोल रहे हैं। और एक्चुअली तो प्रोग्राम के ये हीरो हैं, और क्योंकि जो सेतु होता है, एक एंकर होता है, वो प्रोग्राम को लिंक करता है, जो आपके और हमारे प्रोग्राम के बीच में, सिंगर्स और म्यूजिशियंस के बीच में, और ऑर्गेनाइजर्स और आर्टिस्ट के बीच में, जो सारी लिंक हैं वो एंकर करता है। और आपने तो देखा होगा मेरे कई सारे प्रोग्राम में, इससे पहले भी मोहसिन हमेशा ये ऑनलाइन प्रोग्राम में काफ़ी सारे शोज़ में रहे हैं, और इनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, बात करने का एक तरीका है, अल्फाजों का जो इंतखाब है, सिलेक्शन है, वो बहुत खूबसूरत होता है। और आपने हमेशा ये देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। तो एक बार जहाँ पर भी आप हैं तो बहुत सारी तालियाँ और आपकी दुआएं और आशीर्वाद मोहसिन शेख के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, ये मेरी खुशबख्ती मैं इसे कहूँगा, आपसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी स्टिल लर्निंग, कि आप सही मानों में ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप ये समझते हैं कि आपके बीच एक सेतु होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि सेतु की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन ये आपका बड़कपन है मुख्तार भाई, कि आप हमें, और बहुत बस मुझे भी खुशी होती है जब आपके साथ मन साझा करता हूँ। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ आज हम ये प्यारा सा प्रोग्राम आपकी नज़र कर रहे हैं, उनका भी जिक्र बहुत ही लाजमी है, क्योंकि एक टीम वर्क जो है वो दोस्तों आप तक पहुँच रहा है। हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत का भी जिक्र करें तो कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक गीत की सफलता का श्रेय नहीं दे सकते हम, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े महकमे ने बड़ी जिम्मेदारी, डेडिकेशन के साथ उस गाने को या उस सीन को अंजाम दिया होता है। तो ऐसा हमारे साथ भी है, एक टीम है मुख्तार शाह साहब के साथ जुड़ी हुई। इस कार्यक्रम को अब तक सफल हुआ है हम कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन प्रतिक्रियाएं जो आ रही है आपके पेज पर मुख्तार जी, मैं आपको बता दूं उसकी तादाद 2500 से 3500 तक के लोगों ने अभी तक अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं हमें, और व्यूवरशिप भी काफ़ी, विश्व हमें बताएंगे कि क्या बात है, 900 लोग जो हैं वो अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो हेमंत जोशी साहब एक बहुत ही मंझे हुए तबला नवाज, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत तजुर्बेकार आर्टिस्ट हैं। अब मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है तो चलते हैं वैसे ये आखिर में, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो महफिल की शान होती है उनका जिक्र आखिर में, तो हमारी ऑर्केस्ट्रा के शान है ये, और रिधम की दुनिया की जान है मितेश देसाई, जिनके नेतृत्व में आज मंझे हुए कलाकारों का ये सुंदर समन्वय आप तक पहुँच रहा है। राकेश जानी ऑक्टोपेड SPDS पर है, तो ये रिधम सेक्शन है। उसके बाद मेलोडी सेक्शन में लीड गिटार पर आदरणीय नंदन पुरोहित जी, एक बहुत ही मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, दोस्तों मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपसे तारुफ करवा रहा हूँ, आदरणीय शांतन फर्नांडिस, जो कि बहुत अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत ख़ास साज फ्लूट। आज के इस कार्यक्रम में मुख्तार जी ने स्पेशली इन्हें आमंत्रित किया है। जनरली ये सोशल मीडिया के शोज़ आप देखते होंगे तो सीमित रहता है दायरा, 4 म्यूजिशियन या 5 म्यूजिशियन को लेकर ही ज़्यादातर शोज़ होते हैं। आज शांतन हमारे साथ हैं, और कीबोर्ड पर एक ऐसे ही समर्पित व्यक्तित्व के मालिक अमित चुनारा जी हमारे साथ हैं। नीलकंठ स्टूडियो का ये सुंदर एटमॉस्फेयर है, जहां से हम ये 4K फुल HD कैमरा के ज़रिए आपसे रूबरू हुए हैं, और हमारी आवाज़ जो क्रिस्टल क्लियर आप तक पहुंच रही है। थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है, लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि जब कोई भी सिंगर हैं, जैसे मुख्तार जी के लिए ख़ास करके बहुत सारे चाहने वालों ने ये कहा है कि वो जब बोलते हैं तो आवाज़ कम लगती है, तो वो जाहिर बात है कि कम ही लगेगी, क्योंकि उनका जो बैलेंसिंग हुआ है वो उनके सिंगिंग थ्रो के हिसाब से हमारे यासीन जी ने किया है। लेकिन अब थोड़ा ख्याल कीजिएगा, तो थोड़ा अब जब मुख्तार जी बात करें तो उस वक्त भी उनका थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिएगा। तो यासीन जी के लिए भी आपकी मोहब्बत और प्यार, और विश्व शाह और उनकी टीम जो हमारे इस कार्यक्रम को आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और स्मार्ट TV के स्क्रीन तक पहुँचा रही है। हमें आज बहुत खुशी इस बात की है कि स्वयं मुकेश जी को, जिसने अहमदाबाद की सरजमी पर लाइव शो करने के लिए आमंत्रित किया, और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ हुए। स्टेज की दुनिया के मैं कह सकता हूं कि भीष्म पितामह, एक बहुत बड़ी शख्सियत आदरणीय चंद्रकांत मास्टर जी हमारे साथ आज बैठे हैं, जिन्होंने स्वयं मुकेश जी, दिलीप साहब जैसे, राज कपूर जी जैसे दिग्गजों को अहमदाबाद शहर में आमंत्रित करके उनके शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए। मुख्तार जी के भी काफ़ी शोज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। आदरणीय डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी के साथ तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी सालों तक रहा है। हमारे एक और ऑर्गेनाइज़र, जिनका शुरुआती दौर से, यानी मुख्तार जी ने जब एक याद मुकेश जी के बाद जो बैनर की नींव रखी, तब से उनके साथ एक ऑर्गेनाइज़र और एक मित्र और एक भाई की हैसियत से जो काम करते हैं, वैसे श्री बिंदेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, और एक और हमारे मित्र श्री रजाक भाई आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बातें हो गई और क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर एक बार आपका जो मूड है उसको कंटिन्यू करते हैं। और वो प्यारे गीत दर्द का पर्याय मुकेश जी की आवाज़ को ज़्यादातर माना गया है। हालांकि मुख्तार जी ने बताया मूड्स ऑफ मुकेश में आज उनकी आवाज़ की जो खासियत है हर तरह के गीत हमने शामिल किए हैं, लेकिन अब कुछ दर्द भरे गीतों की तरफ हम आपको ले जाएंगे। मुख्तार शाह जी आपके बीच हैं और दर्द का पर्याय मुकेश जी की आवाज़ को कहा गया है। और ख़ास करके जब जब उन्होंने दर्द अपने गले में कहते हैं घोंट करके हमारे कानों तक वो रस पहुँचाया तो हमारे सीनों को भी हमारे दिलों को भी छलनी कर दिया है उनकी वो दर्द भरी आवाज़ ने। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये बहुत खूबसूरत कलाम। फिर एक बार संगीतकार शंकर जयकिशन जी का संगीत और आइए मुख्तार शाह साहब से सुनते हैं ये दर्द भरा खूबसूरत गीत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहरे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे तुझको दुनिया बनाई। थैंक यू। तीसरी कसम फिल्म से ये गाना था। एक और गीत जो थोड़ा सा ऑफ बीट, मतलब ज़्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता है, हमको स्टेज पर गाने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछले दिनों 2-3 मरतबा मुझे ये ऑनलाइन प्रोग्राम में 1-2 मरतबा स्टेज प्रोग्राम में गाने का मौका आया है। तो ये गीत है फिल्म ठोकर से, हम आपको सुना रहे हैं। श्याम जी घनश्याम जी इसके संगीतकार हैं और 1974 की ये फिल्म है। साजन दहलवी साहब का लिखा हुआ ये गाना है। ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना, वो मुझे को मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें। एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन चालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं, दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से, उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझे को मिल सके ना। सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मुख्तार जी ने बताया, श्याम जी घनश्याम जी एक और ऐसा ही अननोन नाम है जो मुकेश जी के कैरियर में कहते हैं कि संगीतकार के हिस्से से जिनका योगदान रहा है। ऐसे कई गीत हैं जो बहुत कम पहचाने गए संगीतकारों के निर्देशन में मुकेश जी ने गाए हैं। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, उसका जिक्र फिर कभी करेंगे। अगला एक खूबसूरत दोगाना आप तक पहुंचाएं, उससे पहले एक और बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। जैसा कि आज हम डॉक्टर मेहर अली और परिवार की ओर से आपसे रूबरू हो रहे हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उनका जिक्र मुख्तार जी ने किया आपके सामने। मोहम्मद अली साहब जो कि एडमिन भी है इनके मेहर फाउंडेशन एंड CWCD and SCW जो ये चैरिटी संस्थाएं चलाती हैं उसके, तो उनके 2 बेटे हैं। एक हैं जनाब शान अली साहब जो कि इस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो सऊदी अरबिया बेस्ड हैं, और दूसरे बेटे हैं सिद्दीक अली साहब जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इसी एसोसिएशन और इसी महकमे के, जो कि USA यानी अमेरिका बेस्ड हैं। तो इन सभी का हम दिल की गहराई से, डॉक्टर मेहर अली का, जनाब मोहम्मद अली साहब का, जनाब शान अली साहब और जनाब सिद्दीक अली साहब, इन सभी का हम सब कलाकार दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने आज हमें पेश करके हमारे जो मुकेश जी के चाहने वाले, दुनिया भर में उनके आशिक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उन तक पहुँचने का ये हमें अवसर दिया, ये मौका दिया। एक और खूबसूरत दो गाने का आप जिक्र करना है थोड़े से। आज मेहर अली साहिबा जो हैं, जैसा मुख्तार जी ने बताया, मुकेश फैन क्लब की मेंबर रही हैं, तो इस नाते पता चलता है कि वो मुकेश जी के गीतों को बहुत पसंद करती हैं। तो उन्होंने कुछ गाने अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के हमें दिए हैं, उनकी चॉइस भी बड़ी खूबसूरत है। अगला एक थोड़ा ऑफ बीट गीत है। इनफैक्ट मैं तो आज पहली बार शायद मुख्तार जी के साथ इतने सारे कार्यक्रम आपकी दुआओं से मैंने साझा किए हैं, लेकिन ये गाना मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन गाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने जब रिहर्सल के दरमियान ये गाना देखा तो हमें लगा कि बड़ा अच्छा गीत है। शंकर जयकिशन जी का संगीत, शैलेंद्र जी के लिखे हुए इस खूबसूरत गीत को आइए इन दो कलाकारों से सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है। फिल्म का नाम है मैं नशे में। घड़ी नहीं ये सब्र की न इंतजार की, मचल मचल रही है रात ये बहार की, घड़ी नहीं ये सब्र की न इंतजार की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नशे में हूँ फिल्म से ये गाना था। गाना बहुत अच्छा है, कम गाने को मिलता है, आपने भी कम सुना होगा। नैना ने पहली मर्तबा ये गाना गाया है, मैंने दूसरी मर्तबा ये गाना आज गाया है, और शायद म्यूजिशियंस ने भी पहली मर्तबा ये गाना बजाया होगा आज। सो ओवरऑल लेकिन अच्छा था, आप लोगों को मज़ा आया होगा आई होप। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे गीतों को भी आप पसंद करते हैं। और अगला जो गीत है बहुत ही मशहूर गाना है, अगेन हरियाली और रास्ता फिल्म, शंकर जयकिशन जी का संगीत, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गाना और लता मंगेशकर जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र अब तो बता। हरियाली और रास्ता, बोल मेरी तकदीर में क्या से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। और मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। थैंक यू। हरियाली और रास्ता फिल्म से ये गाना ड्यूएट गीत था। अगला गीत है अगेन शंकर जयकिशन जी का ही संगीतबद्ध किया हुआ गाना, राज कपूर जी पर फिल्माया गया 1959 की फिल्म। शैलेंद्र जी ने इस गाने को लिखा, कन्हैया फिल्म का नाम है। और मुकेश जी का एक सैड मूड, जिन गीतों की वजह से, जिस मूड की वजह से ख़ास तौर से उनकी आवाज़ ज़्यादा जानी गई। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में। जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, जिन्हें इस जहाँ ने भुला दिया मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम, तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना किसी के हम, यही दर्द मेरे जिगर में है, मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। थैंक यू। ये कन्हैया फिल्म से गाना था। अगला जो गीत है, कभी कभी कुछ हमारे दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, फ़ैन होते हैं, चाहने वाले होते हैं मुकेश जी को, संगीत को, तो उन लोगों की फरमाइश कभी कभी एडवांस में मिल जाती है, तो कभी हमारी भी कोशिश रहती है। आज जैसे एक फरमाइश मुझे आई और इत्तेफाक से मेहर अली जी के लिस्ट में ये गाना भी शामिल था। जो गीत है फिल्म मुक्ति से है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। आर.डी. बर्मन जी का संगीतबद्ध किया हुआ एक गाना है, जिनके संगीत में वैसे मुकेश जी के कम गाने हैं, लेकिन आर.डी. बर्मन जी के संगीत में जो मुकेश जी ने गाने गाए हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मशहूर गाने हैं। शशि कपूर जी पर ये गाना फिल्माया गया, आनंद बख्शी साहब ने इस गाने को लिखा। 1977 की ये फिल्म है और एक फरमाइश मुझे इसकी स्पेशली मिली है, क्योंकि मैं मेंशन करना चाहता हूँ। कलकत्ता से हमारे एक चर्च के प्रिस्ट हैं फादर अल्फांसो फ्रांसिस साहब, उन्होंने इस गाने की फरमाइश भी की है और ये मुझे खुशी होती है कि आप लोग भी प्रोग्राम इतना देखते हैं और संगीत को एंजॉय करते हैं। आईपीएल का मैचेस चल रहे हैं, बिग बॉस टेलीविज़न पर आ रहा है, इतने सारे प्रोग्राम के बीच में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कभी फूलों के मौसम में कहीं हम तुम मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम तुम्हारे प्यार की बातें हमें तो नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें तो अपना घटाए मेहरबानी से, के यादों की बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। थैंक यू। वाह क्या बात है, आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले ये अल्फाज, क्या खूब। आर डी बर्मन साहब का कंपोजिशन और उस पर सोने पर सुहागा मुकेश जी की अदायगी, इन शब्दों और इन शब्दों में छिपे हुए भाव को अपनी आवाज़ में महसूस करके उसे सुनने वालों तक पहुंचाना। मजरूह सुल्तानपुरी साहब को एक रेडियो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपको प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रहे थे वो, कि आपको कौन से गायक सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा वैसे तो सब मुझे पसंद है लेकिन मुझे मुकेश जी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने वजह पूछी कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा था कि देखें गायक तो सब है लेकिन मुकेश जी की खासियत ये है, उनकी खसूसियत ये रही है कि जब कोई भी गाना उनको दिया जाता है तो वो उस गीत के जो भाव है, उस गीत की जो मिजाज है, उसका जो रस है, ये उनके शब्द टू शब्द यानी अल्फाज टू अल्फाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर यह इंटरव्यू मौजूद है, ऑल इंडिया रेडियो के किसी रेडियो प्रेजेंटर ने लिया है। तो उन्होंने कहा कि उस गीत, उस शब्द के पीछे छिपे हुए भाव, उसके मिजाज जिसे हम सीधी ज़बान में रस कहते हैं, उस रस को मुकेश जी बहुत अच्छे से समझते थे, फिर चाहे वो कोई भी ज़बान में लिखा गया हो। वो अगर उर्दू मतलब उर्दू ज़बान में लिखा गया है तो उर्दू का भाव, उर्दू के जज्बात, वो अगर सीधी और सरल हिंदी भाषा में वो शब्द का प्रयोग किया गया है तो हिंदी का भाव, और अगर कोई जैसे कि देहाती ज़बान में ख़ास करके अवध की जो ज़बान है हमारी, अवधी और मैथिली, इसमें भी कुछ गीत मुकेश जी के हिस्से में गाने को आए हैं हिंदी फिल्मों में, तो ऐसे वो गाते थे मानो जैसे एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बल्कि वहाँ का कोई एक परंपरागत गीतों को गाने वाला गायक गा रहा हो। ये खासियत थी, ये खसूसियत थी मुकेश जी के गीतों में। यही वजह है कि उनके गीत सीधे हमारे कानों से होकर हमारे दिलों में उतर जाते हैं। ऐसे महान कलाकार को मूड्स ऑफ मुकेश जी के ज़रिए आज का ये विशेष कार्यक्रम हमने जनाबा डॉक्टर मेहर अली और उनके परिवार की ओर से आपकी नज़र किया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 1,900 के करीब यानी 2,000 के करीब का ये अंक है जो बता रहा है हमारे फेसबुक वॉल पर कि आप हमसे जुड़े हैं, और बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी है। परिवार बन जाता है, जैसा मुख्तार जी ने कहा कि एक जब हम किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं तो एक हमारा भी परिवार है, मेहर अली जी के ये मित्र भी हैं और मुख्तार जी की भी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे कुछ नाम मुझे भी इत्तेफाकन मुख्तार जी के ज़रिए उन लोगों से मिलना मतलब बातें करना नसीब हुआ। मुंबई से हेमा दीदी हमें बहुत दुआएं दे रही हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अलका जी हैं, पुणे से, उनका भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। लंदन से टीलू दीदी, हमारी बड़ी दीदी हमें देख रही हैं, बहुत दुआएं दे रही हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पैनी राम प्रसाद जी जो कि हॉलैंड से रेगुलरली आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे विशेष, बहुत सारी शुभेच्छाएं दी हैं। तो ये सभी रेगुलर लिसनर्स का भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। इनके अलावा जितने भी लोगों ने अब तक अपना प्यार, अपनी मोहब्बत फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुंचाई है, उन सभी का, उन सभी देखने वालों का, उन सभी सुनने वालों का, उन सभी सराहने वालों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुकेश जी ने अपने फिल्मी कैरियर में 1040 के करीब गीत गाए और हर एक अदाकार को उन्होंने अपनी आवाज़ दी और हर एक संगीतकार के लिए उन्होंने गीत गाए, हर एक गीतकार के लिए गीत गाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुकेश जी को जहाँ एक और दर्द भरे गीतों का बादशाह कहा जाता है, वहीं उन्हें राज कपूर जी की परछाई भी लोग कहते हैं। दो जिस्म एक जान, इसी वजह से जब जब राज कपूर जी का नाम ज़बां पर आता है तो मुकेश जी का वहाँ हमारे ज़बां पर आना स्वाभाविक हो जाता है, सहज हो जाता है। अगला इसी जोड़ी का एक अद्भुत और बड़ा रोमांटिक गीत मुख्तार शाह साहब आपकी खिदमत में लेकर के, कमर जलालाबादी जी के शब्द हैं और कल्याणजी आनंद जी का आई थिंक संगीत है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, जाने तू कैसी मेहमान है, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला चुपके डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला चुपके डाका डाला, देखो कोई रे आज लुट गया, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपकी खिदमत में मुख्तार जी ने पेश किया। दोस्तों, एक खूबसूरत ट्रायो की अब बारी है। मुकेश जी की यकीनन खुशकिस्मती रही कि उन्होंने जितने भी गीत गाए तमाम के तमाम बहुत ही मशहूर और बहुत ही पॉपुलर हुए। यही वजह है कि आनंद जी भाई को जब किसी ने पूछा था कि भाई मुकेश जी के पॉपुलर होने की क्या वजह थी, तो वो उन्होंने भी यही कहा था कि मुकेश जी जो गाते हैं वो सच्चाई के साथ और दिल से गाते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हम महान व्यक्ति जो होते हैं जैसे गांधी जी और विनोबा भावे, वो जब कहते हैं कि कोई भी वक्तव्य देते हैं तो जैसे हम उसके ग्रामर में नहीं पढ़ते और उसके भाव को समझते हैं ना, तो बोले मुकेश जी की गायकी भी ऐसी है, वो जब गाते हैं ना तो हम उसके ग्रामर में पढ़े बगैर अगर उसको महसूस करेंगे दिल से तो वो सीधी दिल में उतर जाती है। तो उन्होंने ट्रायो सॉन्ग्स भी बहुत कमाल के गाए हैं, कई खूबसूरत ट्रायो उनके द्वारा गाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। एक ऐसा ही रोमांटिक ट्रायो है अब यहाँ पर जिसमें मुख्तार जी तो हैं ही, उनके साथ हमारी प्यारी सी कलाकार नैना जी भी आ चुकी हैं। एक और कलाकार को, वैसे तो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं ये, और जो कि इतने सालों से मुख्तार जी के साथ इनकी दोस्ती, इनकी कहते हैं रिश्ता है, इनका कोलैबोरेशन है, तो अब वो एक हमारे गुजराती में कहावत है कि जे वो संग ए वो रंग, तो अब थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं। और आज देखें वक्त की ज़रूरत भी है कि महेंद्र कपूर जी के गाए हुए हिस्से को गाएगा कौन, ये सवाल तो इत्तेफाक से हमारे साथ बिंदेश त्रिपाठी जी हैं जो महेंद्र कपूर जी का जो हिस्सा है इस गीत में वो आपको सुनाएंगे। और आप समझ गए होंगे जब मैंने महेंद्र कपूर जी कह दिया है तो बाकी कलाकारों का नाम नहीं भी लूँगा तो आपको पता है कौन सा एग्जैक्टली गीत आने वाला है, क्योंकि बड़े समझदार और बहुत ही सुलझे हुए लोगों से हम आज रूबरू हैं। तो आइए ये खूबसूरत ट्रायो आपकी नज़र करते हैं। बिंदेश त्रिपाठी यहाँ मौजूद हैं, और थोड़ा सा आ जाइए नज़दीक, अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वैसे मेंटेन तो करते ही हैं हम लोग भी, और ये मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं। 20 साल का हमारा साथ अब हो चुका है, हम लोग जुड़े और हमने प्रोग्राम करने शुरू किए, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर हमने अहमदाबाद में मुकेश फैंस क्लब भी हम लोग चलाते हैं, और कई सारे हमने प्रोग्राम यहाँ पर किए, गुजरात के अलग अलग शहरों में किए हैं। तो इनका जो साथ है, इनका जो प्यार है, इनके एसोसिएशन के लिए मुझे गर्व भी है, और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया बिंदेश भाई। संगम फिल्म से आइए ये गाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में जाना जाएगा, दीवाना। कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपने अपने सबने कह दी, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। दीवाना थैंक यू बिंदेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। अगला जो गाना है बहुत ही खूबसूरत, बहुत रोमांटिक गाना और बहुत प्यारा गीत, और ये डॉक्टर मेहर अली जी के एक और मित्र हैं पारिवारिक जिनके साथ संबंध है, रफ़ीक सेठ जी, उनका भी पसंदीदा गाना है। मेमन है, रफ़ीक मेमन साहब सेठ लिखते हैं, तो उनके लिए और बहुत सारे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को गाना पसंद है। मेरे हम सफ़र फिल्म का नाम है, जितेंद्र जी और शर्मिला टैगोर जी पर ये गाना फिल्माया गया। कल्याण जी आनंद जी संगीतकार, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गाना है। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़कर, मेरे हम सफ़र। रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चलने देना तू छोड़कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बहुत 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 दिल की गहराई से शुक्रिया। ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, फिल्म मेरे हम सफ़र से जितेंद्र साहब और शर्मिला टैगोर की वो खूबसूरत जोड़ी हमारी इस तमाम की नज़रों के सामने रोशन हो जाती है ना। यही खासियत और खसूसियत होती है अच्छे गाने वालों की कि जब वो महफिल को सजाते हैं तो वो महफिल कब अपने इख्तिताम पर पहुँच जाती है कुछ पता नहीं चलता। आज कोशिश की मूड्स ऑफ मुकेश, डॉक्टर मेहर अली और परिवार ने ये विशेष कार्यक्रम आवाज़ की दुनिया के सदाबहार गायक मुकेश जी के चाहने वालों के लिए संजोया। हम फिर एक बार दिल की गहराई से मेहर फाउंडेशन और CWCD एंड SCW जैसी संस्थाओं को चलाने वाली और शहर बेंगलोर की एक बाहोश पुलिस अफसर डॉक्टर मेहर अली साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं। हम साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं इन फाउंडेशन के हमारे मोहम्मद अली साहब जो कि उनके खाविन भी हैं, उनके शौहर भी हैं, उनका साथ ही इस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और मेहर अली साहिबा के बड़े बेटे शान अली साहब जो कि सऊदी अरब में हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से सिद्दीक अली साहब कार्यरत हैं जो कि मेहर अली साहब के दूसरे बेटे हैं जो अमेरिका में हैं। तो पूरे परिवार का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो गाने कहते हैं दोस्तों साथियों हमारे वर्तमान को बिल्कुल सच साबित कर देते हैं, जैसा कि ये गाना किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना छोड़कर मेरे हम सफ़र है ना। डर सा रहता है, अंदेशा रहता है जब कोई मनचाहा साथी अचानक किसी दोराहे पर हमें छोड़ने पर आमदा हो जाता है। तो अब यहाँ भी बहुत सारे हमारे जो चाहने वाले हैं उनके दिल को थोड़ी सी ज़रूर ठेस पहुंचेगी क्योंकि अब इब्तिदा से इख्तिताम की तरफ यानी यहाँ हमें इस महफिल को छोड़कर फिर अगली मुलाकात हो तब तक के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि हर मुख्तार जी हमेशा कहते हैं कि हर चीज़ का अपने वक्त पे ख़त्म होना बेहद ज़रूरी है। तो आज ये कार्यक्रम आप सब ने सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के हमारे प्रमुख कलाकार मुख्तार शाह साहब ने आप जैसे खूबसूरत दोस्तों से मिलने का अवसर दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर मेहर अली साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं और सभी कलाकारों की ओर से डॉक्टर मेहर अली का शुक्रिया अदा करूं, खास करके हमारी नैना जी, मितेश देसाई और साथी। और विशेष शुक्रिया फेसबुक के माध्यम से देश और दुनिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से जितने लोगों ने हम सबको देखा, सुना, सराहा, उन सबका शुक्रिया। कोविड-19 ने बहुत कहते हैं कि हमारे अरमान, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गुलजार साहब के नाम से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आम हुई एक पोस्ट जिसमें लिखा गया है कि 2020 ने बहुत गजब ढाया है, किसी के सपने इसने चुरा लिए तो किसी के अपने, लेकिन ये हकीकत है, भले ही मजाक हो लेकिन ये हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि एक ना एक दिन इंसान की हस्ती जो है उसको खाक होना है, मिट्टी में मिलना है। फिर भी हम कई बार अपनी हस्ती का घमंड करते हैं, अपने होने का गुरूर करते हैं। हमारे गीतकारों ने हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास अगर पलट कर देखें तो हमारे कई गीतकारों ने, कई गायकों ने हमें आगाह किया है कि हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता, हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है है ना, एक ऐसी ही हकीकत से हम और आप रूबरू होते हैं। मिट्टी हैं और मिट्टी में हमें मिलना है। आइए वो हकीकत क्या है, मुकेश जी की आवाज़ में अमर हो गई और फिर एक बार संगीत नसीब हुआ राहुल देव बर्मन जी जैसे संगीतकार का। क्या गज़ब की कंपोजिशन है, आपके अपने हरदिल अजीज़ फनकार मुख्तार शाह साहब से सुनते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम कम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम कम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, साथियों। डॉक्टर मेहर अली और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ऑनलाइन प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा, ठंडी के दिन हैं, बढ़ने की कोरोना की संभावनाएं हैं ऐसा बताया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।